आज के एक साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सू सुनी चाहिए, फिर मैं तो ठीक पड़ गई, फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क चिप गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर रायथल के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 50 वर्षीय मंजू यादव जी, जो अपने मवेशियों की सेवा कर रही हैं, रोजाना 120 लीटर से ज्यादा ऐसे ही बैठकर दूध काढ़ती हैं। 30 से 35 किलो का बोरा आसानी से उठा लेती हैं। मंजू देवी की कहानी उनके लक्ष्य और संघर्ष का प्रतीक है। आप शायद विश्वास न करें कि 8 से 9 महीने पहले तक इनके पति और बेटा सहारा देकर बिस्तर से उठाते थे। काम भी हम इनका भी हम ही करते थे, खाना पिलाना से भी उठ के बैठना, दूसरी साइड लेके जाए तो बैठा रहो, खुद ले जाओ, बैठाओ, लेटाओ, सब काम हम ही करते थे इनका भी। कमर दर्द के कारण ये बिना सहारा उठना तो दूर चल भी नहीं पाती थी। उन्हें डॉक्टरों ने अपनी स्लिप डिस्क समस्या के कारण आराम करने की सलाह दी थी। एक समय तो ऐसा आया जब डॉक्टर्स ने उन्हें ये सुझाव दिया कि वो अब जीवन भर बिस्तर बंद रहेंगी। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि जब तक जिएंगी तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हर दिन 100 लीटर से अधिक दूध काढ़ने वाली महिला, जो रोजाना अपनी 10 गायों और भैंसों की देखभाल करती थी, अब अपनी स्लिप डिस्क के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, पिछले 3 महीनों से वो अब पहले की तरह काम कर सकती हैं। चलना फिरना तो बहुत छोटी बात है, भाग दौड़ करके पूरे घर के साथ साथ अपने मवेशियों को भी संभाल रही हैं। हमने ऐसे YouTube देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, YouTube पे आया इनका, तो इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं, तो मंगाया, तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।